नमस्कार, बैकपैकिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप में आपका स्वागत है। हम बनाते हैं ट्रैवल फिल्म्स और आज हम आपको घुमाएंगे ड्रेगोर, जो एक बहुत पुराना शहर है। और आज की अंताक्षरी शुरू करेंगे प्रभु का नाम लेके। तो ये ड्रेगोर की चर्च है, 1882 में ये बनी थी, हमारे पैदा होने के 110 साल पहले। जो दादी नानी कहानियाँ नहीं सुनाती हैं, उस कहानी के हिसाब से, जैसे कि ये मछुआरों का गांव है, यहाँ पे एक मछुआरा था जो जलपरी के प्यार में पड़ गया था और वो जलपरी भी उसके प्यार में पड़ गई थी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे से एक प्रॉमिस किया था कि वो जलपरी के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। और वो रोज़ शाम को मिलते थे, वो पानी के पास जाता था और उससे मिलता था। पर एक बारी क्या हुआ, बातों बातों में उसने अपने दोस्त को बता दिया और उसके बाद से वो बहुत बार शाम को गया ढूंढने के लिए उस जलपरी को, लेकिन वो कभी भी उसको नहीं मिली। तो प्यार के प्रॉमिसेस निभाने चाहिए। ये ड्रेगोर का पोर्ट है डेनमार्क के। बहुत सारे लोगों के पास बोट होती है, ये लोग वाटर एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई थिंक इसलिए क्योंकि कोस्टल एरिया बहुत है, बहुत एक्सेसिबल हैं बीचेस, इसलिए। तो जब हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे तो हम मे बी यहाँ पे एक छोटे से कोने में अपनी बोट खड़ाएंगे, क्योंकि कोपेनहेगन के हार्बर पे बोट खड़ाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और साथ के साथ बहुत ही लंबा वेटिंग पीरियड है, मतलब 5 साल 6 साल आपको वेट करना पड़ता है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये पूरे के पूरे गांव में लाइट येलो या फिर डार्क येलो मकान है। वैसे डेनमार्क के ज़्यादातर शहरों में रेड येलो या फिर नीले ऐसे मिक्स होते हैं, लेकिन ये गांव एक्सक्लूसिवली येलो पेंटेड है। वैसे सही भी है, डेनमार्क के मौसम के हिसाब से कुछ तो ब्राइट चीज़ हो। ये ना पुराने टाइम का वेल प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चर है, मतलब जैसे लोग पहले रहते थे उसी तरह के ये बना के रखा हुआ है। तो आई थिंक इसीलिए ये फेंसिंग भी कर रखी है। वैसे नॉर्मली घरों में फेंसिंग नहीं होती, बस घास का वो ऐसे बुशेस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग आते होंगे घूमने फिरने के लिए, इसलिए ये वुडन फेंसिंग कर रखी है। टिपू, आपको क्या लगता है, ये हैंडपम्प चलता होगा? वैसे मैं आपसे 1000 डेनिश क्रोन की शर्त लगा सकती हूँ कि ये नहीं चलता होगा। रेडी? ओके, लेट्स गो। टड़ा, एक बारी और ट्राई कर लेती हूँ। नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक नल लगा हुआ है, तो पानी सारा उधर से आता होगा। ये आई थिंक पुराने टाइम का होगा जितना मुझे लगता है। अच्छा, बोट तो ले लेंगे लेकिन चलानी भी पड़ेगी, अगर चलाएंगे नहीं तो ऐसे बत्तखें कब्जा कर लेंगी। देखो क्या कमाल कर रखा है बत्तखों ने इस बोट का। ड्रेगोर फोर्ट को 1910 और 1915 के बीच में बनाया था। इसको बनाया इसलिए था ताकि जो एमा वाला आइलैंड है उसको एनिमी कब्जे में ना कर ले अपने, और जो कोपेनहेगन है उस पर बम्बार्डमेंट शुरू ना हो जाए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने इसको एज अ शूटिंग स्कूल भी यूज़ किया था।
ये उस मछुआरे की गर्लफ्रेंड है, आप भी आते क्या ऐसे छुप छुप के मिलने? कितनी खूबसूरत लगी आपको, कमेंट में जरूर बताना। पहुंचूंगी तो मैं ही पहले ऊपर। अच्छा इधर एंट्री मना है क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो प्राइवेट है, आई थिंक होटल वगैरह वालों का होगा, तो हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। टड़ा, The pitch house, the tiny house that was built in 1770s had several functions. It was a cook house where ship's cooks cook when the ship was in the port. Due to fear of fire, it was forbidden to have a fire on board when ships were in the harbor. The house was also used to boil pitch, a kind of tar, which was used to caulk that is seal and make watertight the planks of wooden ship, hence the name pitch house. ये ड्रैगोर या ड्राउआ डेनिश प्रोनाउंसिएशन है इसकी, उसकी मेन स्ट्रीट है। और ये जो गांव या शहर आप कहो, ये बसाया था डच लोगों ने, मतलब नीदरलैंड से वो लोग यहाँ आए थे, और ये मछुआरों का टाउन था। आओ मैं आपको इसकी सुंदर गलियाँ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो निशान बने हैं, इसमें है एक सुअर, एक है भेड़ और एक है गाय, और ये एक स्लॉटर हाउस है पुराना। आई थिंक ये डेनमार्क की सबसे पॉपुलर बेकरी फूड चेन है, लाओ के हुसल। ये आपको हर जगह मिल जाएगी, एयरपोर्ट चले जाओ, किसी पुराने शहर चले जाओ, किसी नए शहर चले जाओ। और ये इनका मेन स्क्वायर सा है जहाँ पे ये अपनी क्रिसमस मार्केट लगाते हैं, और भी अलग अलग तरह की लोकल मार्केट्स लगती हैं यहाँ पे। जब हम क्रिसमस समय आए थे ना, तब यहाँ पे लाइट से बहुत सारी डेकोरेशन हो रखी थी और बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, जैसे ठंड होती है ना, तो यहाँ पे कैफ़े के आगे आपको आग जली हुई दिख जाएगी, और ये ना कंबल भी रख देते हैं, तो आप बाहर भी इंजॉय कर सकते हो बेशक कितनी भी ठंड हो। और बहुत जगह वो सोलर लाइट्स लगी होती हैं, काफ़ी सारी हीट छोड़ती हैं, वो बल्ब्स ही होते हैं पर काफ़ी सारा हीट होता है उनमें से। तक यहाँ पे वो वाले मकान भी हैं जिनके ऊपर वो घास की वो नहीं होती है छत, वैसे से मकान भी अभी तक यहाँ पे। दीपो देखना ये वाला कितना पुराना दरवाजा है। हो गए हैं ये सफ़ेद कौवे शुरू फिर से, काऊ 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 काऊ।
इतने अनोइंग होते हैं ना, ये दिमाग खराब कर देते हैं यार, सोने नहीं देते। सुबह 8 बजे शुरू हो जाएंगे, काऊ 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 काऊ, पागल बना देते हैं। और कई कई तो इतने बड़े बड़े भी होते हैं, ऐसा लगता है कि आप ही को उठा के ले जाएंगे। चिट्टे कौवे, ये तो मैंने पहली बार सुना है। सीगल कौओं भी जैसे ही तो करते हैं ये, काऊ 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 काऊ, देखना। और अग्रेसिव भी होते हैं वो, देखो भगा दिया उसने उसको। कूद जाओ, आपने मुझे इतना परेशान कर रखा है, कूद जाओ कूद जाओ। अच्छा, ओ दूर आपको ओरेसुंड ब्रिज दिख रहा होगा जो डेनमार्क और स्वीडन को कनेक्ट करता है, और ये वही ब्रिज है जो ऐसे पानी के नीचे से निकलता है। अभी हम मालमो जा रहे हैं अगले ही हफ्ते, अगले वीकेंड, और आपको एकदम पास से दिखाएंगे ये वाला ब्रिज, और वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। बहुत गहरा नहीं है, लेकिन वापस आ पाना फिर भी मुश्किल है अगर मैं कूद भी जाऊँ तो, क्योंकि कोई स्टेप नहीं है। क्या करूँ, कूद जाऊँ? आप मुझे बचा लोगे? ओके नहीं कूदती, मुझे तंग तो नहीं करोगे? ओके लेट्स गो। सारे कपड़े गंदे करवा लिए। हवा चलनी तो कभी बंद नहीं हो सकती ना डेनमार्क में, कितनी हवा चल रही है आज भी, पर शुक्र है धूप आनी शुरू हो गई है और मैं बिना ग्लव्स के घूम सकती हूँ। ये मेरे पीछे है ड्रैगन म्यूजियम, जिनको म्यूजियम का शौक हो, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे है ड्रैगन ईस्ट नाम की दुकान, जहाँ से अभी हम आइसक्रीम लेने वाले हैं, मतलब मैं आइसक्रीम लेने वाला हूँ डेनिश में। Hi. Yeah, with Gyan in Yobya. Yeah. Melkun. What's that? Waffle. Yeah. Yeah. Where are they? Mango. Yeah. Yeah. Tak. मुंह तो खराब हो रहा है पर आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मतलब इंडिया से काफ़ी अलग है। और मैंने लिया है मैंगो और स्ट्रॉबेरी, तो आपने भी लेना है यही वाला? और नहीं लेना कुछ? लेने नहीं दूंगा मैं, वहीं आ जाऊंगा, आपका हाथ पकड़ लूंगा और आपको कोई और आइसक्रीम नहीं लेने दूंगा। अच्छा, बाकी ऑर्डरिंग वाला पार्ट तो इतना सही गया नहीं यार भाई, मुझे अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में स्विच करना ही पड़ा, जितना मर्जी मैंने कोशिश की। एक्सेंट की भी दिक्कत है ना, मैंने बोला वे आडी, कहती हैं मैंगो, फिर चलो स्ट्रेस ना लेते हुए एंजॉय करता है आइसक्रीम। लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कोपेनहेगन के आउटस्कर्ट्स में ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स लगे होते हैं, थैंक यू बिकॉज यू आर शॉपिंग लोकली। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में जाके चीज़ें खरीदो, लेकिन सपोर्ट लोकल बिजनेसेस। Depths of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. अगर आप कोपेनहेगन आए हैं और इस सुंदर टाउन के नज़ारे लेना चाहते हैं तो ये कोपेनहेगन से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 किलोमीटर, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, 40 मिनट आपको लगेंगे और सिर्फ 30 क्रोन की टिकट है। और अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको 25 मिनट लगेंगे यहाँ आने में, और यहाँ पे 2 घंटे की पार्किंग फ्री है।
और सिर्फ इस शहर यहाँ के नज़ारों में मत खो जाना, पास में एक फोर्ट है वो ज़रूर जाना, सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हमने वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, अच्छा लगा ना आज यहाँ आके, बड़ा मज़ा आया यार। मेरे ख्याल धूप भी अच्छी और हम बहुत दिनों बाद बाहर निकले हैं तो मज़ा आ गया। अगर आपको भी मज़ा आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो आप सीढ़ियाँ उतरते हैं। Goodbye. An ember that flickered, that faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. Now you're gone. Losing my mind. लगता मैंने आपको बताया कि मैं जिम करती हूँ और मैं 50 किलो वेट उठा लेती हूँ इन पतले पतले बाजुओं से, तो आज मैं आपको अपनी पावर दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 30 किलो का वेट उठाओ। मुझे लगता है कि मैं दीपू से जीत जाऊंगी, लेकिन लेट्स सी। ओ बाप रे, मतलब कोई उठा पाता होगा क्या इसको? क्या इतना भी मुश्किल थोड़ी है? उठा लिया, कैसे उठा लिया?